देखिए प्रोजेक्ट सभी अच्छा ही होते हैं और सभी अच्छा ही रहता है। मैं क्या बना के ले आऊँगा तो बताऊँगा आपको कि कैसा मैंने बना के लाया। नाम से आप जान ही रहेंगे पिक्चर एकदम अच्छी है, एक्शन मूवी है, लोगों को एंटरटेनमेंट करेगी और अच्छा। तो प्रदीप ये बताइए कि क्या पृष्ठभूमि रहेगी, किस क्या विषय दिखाने की कोशिश की इस फिल्म के माध्यम से? देखिए एक रियल घटने पर आधारित है, सोच है कि मतलब जो हुआ था वो उसी टाइप कुछ किया जाएगा, जो लोगों को के गलत हुआ था वो दिखाया जाएगा, मतलब कैसे अच्छा हुआ। आपके जो कलाकार हैं एक और जी बैठे साथ में साथ और भी जो कलाकार हैं उनका चयन जो किया उसके बारे में बताया कि जो लीड जो हीरो हैं उनके बारे में बताया कि एक्शन सर के साथ में पहली बार काम करने जा रहा हूँ। सर नाम सुन के हम आज मिले भी थे और डायरेक्टर भाई बहुत अच्छे हैं और पहले हमारे कलाकार थे और जो लीड आशीष सिगमल्टी में इनके साथ फिल्म कर चुका हूँ और अंजना एक फिल्म कर चुका बहुत ही अच्छा एक्शन है। हंसी मजाक में हम काम ऐसे कर जाते थे कि पता नहीं चलता कितना काम। आशीष जी में हमारा ट्यूनिंग बहुत अच्छा है काम करने का और अच्छा से निकल जाता है। बढ़िया, कब से शूटिंग शेड्यूल शुरू हो रही है और कब तक पाने के लिए? देखिए 22 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, शूट के आने के बाद भी मैं आपसे मिलूंगा और शूट पे जाने से पहले ही मिलूंगा। तो कब रिलीज होगी मैं शूट करने के बाद ही बताऊंगा कब रिलीज कर पाएंगे। सर आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से किरदार के विषय में बहुत कुछ नहीं बताया, अभी निर्देशक महोदय तो साथ में ही बैठे हैं तो इसलिए बहुत बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। निर्माता हमारे, मैं बनारस का रहने वाला हूं, वो भी बनारस के हैं, तो एक ये बनारसीपन जुड़ रहा है तो अच्छा लग रहा है और उम्मीद है इससे एक बेहतर फिल्म निकल के आएगी। प्रदीप जी और आपको दोनों जानना चाहूँगा कि आज जो आपको मालूम है जो हैदराबाद में हेरिटेज थे उनको इनकाउंटर किया गया, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा स्टेप है, पहली बार शायद हुआ है इतिहास में? ये तो बहुत अच्छा हुआ और ऐसा होना भी चाहिए, चाहे कोई समाज गलत है तो गलत है, ये सही है सही है। ये तो 2-3 दिन लेट हो गया, तत्काल फैसला और सरकार का तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कितना अंतर हुआ है माहौल में, कितना ज़्यादा लोग के दिमाग में ये अंतर आएगा कि हाँ ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए ये जितना लेट हुआ उतना मतलब समझिए कि पब्लिक के वो इफेक्ट नहीं आएगा जो तत्काल में होता हो, मतलब जो देखिए हैदराबाद जो कांड हुआ उसमें अगर बलात्कार यह साबित हो गया तो ऑन द स्पॉट फैसला हो जाना चाहिए, जैसे और देशों में होता है, सऊदी अरब में होता है, मतलब वहाँ साबित आरोप साबित हो गया तो मतलब उसको ऑन द स्पॉट सजा नहीं देनी चाहिए। देखिए सुन के तो बहुत मतलब सुकून महसूस हुआ सवेरे सवेरे आज इस बात को और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे सारे में जाएंगे तो हम लोगों की मानसिकता विकृत हो गई है, बहुत विकृत मानसिकता में जी रहे हैं। ये घटना नहीं है, इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं। अभी उन्नाव में जैसे घटना हुई कि एक जमानत पर छूट गया, आपने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया, मतलब उन दरिंदों को फिर आपने समाज में छोड़ दिया और उन्होंने मतलब पीड़िता को जलाने की कोशिश की, 90% वो जल गई है, आज उसको दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया है। और ये पुलिस कमिश्नर जो हैदराबाद के हैं इस समय, जिनके नेतृत्व में जो कुछ घटित हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब सीन क्रिएट किया गया या जो भी किया गया, वो तो अपनी तरफ से सब बताएंगे ही। ये SP थे वारंगल के एक ज़माने में, वहाँ भी कुछ ऐसा कांड हुआ था और इस तरह की सिचुएशन वहाँ भी क्रिएट हुई थी, तो अच्छा निर्णय है, मैं तो खुश हूँ। लेकिन कुछ लोग माफ कीजिएगा दोगले चरित्र के हैं, जो अभी 4 दिन पहले तक इस घटना पर चिल्ला रहे थे कि ये हैवान है, शैतान है, आज वही लोग उनके पक्ष में TV पर बड़े बड़े डिबेट कर रहे हैं कि इस तरह सजा क्यों दी गई, कानून अपना काम करता सजा देता। इस दोगलेपन से बाहर निकलिए, आपके घर में भी माँ बेटी हैं और आप भी इस तरह की बातें कम से कम मत करिए। जब तक समाज में भय नहीं पैदा होगा ना, ये चीज़ खत्म नहीं होगी। हम लोग की मानसिकता गंदी हो गई है, एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप कर देता है कोई, कोई मतलब किसी का किसी पर विश्वास रह जाएगा क्या? पहले होता था पड़ोस में कि हम अपने बच्चे को दूसरे के घर में छोड़ के चले जाते थे, आज तो वो भी हिम्मत लोग नहीं कर रहे हैं, कब किसकी नीयत क्या बदल जाए। जो कुछ हुआ ठीक हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं। फिल्म तो बनी निर्भया केस पर भी बनी, लेकिन पब्लिक ने क्या किया, उस फिल्म का कोई बहुत अच्छा
रिस्पॉन्स देंगे। होता क्या है सर कि जब बड़े सितारे किसी मैटर से जुड़ते हैं, टॉयलेट एक प्रेम कथा, अगर वो अक्षय कुमार जी नहीं रहते तो उस फिल्म का मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा हश्र होता। इन सामाजिक मुद्दों पर भी बड़े स्टार को भी कदम लेना चाहिए। हम लोग भोजपुरी में दरअसल ऐसा अभी तक कुछ प्रयास किए नहीं है और मैं चाहूँगा ये निर्देशक जी बगल में बैठे हैं, मैं बनाना चाहूँगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी अनाउंस करूँगा आपको बलात्कार कैसे क्या फैसला होना चाहिए। धन्यवाद।